हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ICICI बैंक की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जहाँ पे आप इंडिया में किसी भी सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, टाउन के रहने वाले हैं, आप इन अपडेट के लिए डेफिनेटली एलिजिबल हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, हर एक चीज़ को डिटेल में कवर करने वाले हैं। आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनकी वैकेंसीज ऑलरेडी आउट कर दी गई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, आप देख भी पा रहे हैं। अगर आप इसको गूगल पे टाइप करेंगे आपको फर्स्ट नंबर पे साइट मिल जाएगी। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी के साथ साथ फेसबुक पेज को जरूर से ज्वाइन कर लेना, फेसबुक पेज को फॉलो करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोनों पेज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले, सारे के सारे अपडेट आपको सबसे पहले वहाँ देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करना, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए ज़्यादा टाइम लेते हुए बात करेंगे डायरेक्टली ICICI बैंक की तरफ से आई हुई लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं ICICI बैंक की लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में, जहां पे आप इंडिया में किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं रिलीज किया गया है ICICI बैंक की तरफ से। यहां पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं, किसी टाइप की कोई फी आपको यहां पर पे नहीं करनी है। अगर आपको कभी भी कोई कॉल आती है ICICI बैंक के नेम से, आपको जॉब दिलवा देंगे, आप पे कर दीजिए। कभी किसी को पे मत करना, ICICI बैंक कभी आपको नहीं बोलता है किसी जॉब के लिए पे करने को, ठीक है। वो आपको हायर कर रहे हैं, आप उनको वर्क करके दे रहे हैं, तो आपको उसके बदले में आपको सैलरी पे की जाती है, तो फ्री में आपको यहाँ अप्लाई करना होगा। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, एज सुन एज पॉसिबल आपको यहाँ अप्लाई करना होगा। ऑल इंडिया मेल फीमेल यहाँ एलिजिबल हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पर स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ अप्लाई किस तरीके से आप कर पाएंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े। स्क्रोल डाउन करेंगे यहाँ पे अलग अलग टाइप की वैकेंसीज है, फ्रेशर्स की अलग है, एक्सपीरियंस की अलग है, दोनों का मैं आपको बताऊंगी जिसके लिए आप एलिजिबल आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पोस्ट की बात करें, फोन बैंकिंग ऑफिसर की है, जहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ ई रिलेशनशिप मैनेजर की है, ये भी फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज है। उसके बाद जो सारी वैकेंसीज आपको बताने वाली हूँ, ये फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों के लिए है, बता देती हूँ किस तरीके से। सबसे पहले डेबिट मैनेजर की वैकेंसीज है, उसके बाद देखिए ऑपरेशंस के लिए है, उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर पर्सनल लोन के लिए है, रिलेशनशिप मैनेजर ऑटो के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं, रिलेशनशिप मैनेजर बिजनेस लोन ग्रुप के लिए है, प्रिविलेज बैंकर के लिए वैकेंसीज भी यहाँ पर रिलीज की गई हैं। नेक्स्ट तक आप यहाँ पर स्क्रोल डाउन करेंगे, अदर वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसमें कि अकाउंट्स मैनेजर की है ट्रांजैक्शन बैंकिंग के लिए, डिप्यूटी ब्रांच मैनेजर की है, एंड अदर वैकेंसीज है जो इसमें रिलीज की गई हैं। तो यहां पे आपकी डायरेक्टली हायरिंग होने वाली है, ठीक है। किसी टाइप का मतलब यहां पे कोई आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। फी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई पे नहीं करनी है। यहाँ पे विदाउट एग्जाम आपकी हायरिंग होने वाली है, चाहे फ्रेशर्स की वैकेंसीज की बात करूँ, चाहे एक्सपीरियंस की। अब लास्ट में यहाँ पे आप जाएंगे, अगर यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी की बात करें, इन वैकेंसीज के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर पाएंगे। कुछ एक दो पोस्ट हो सकते हैं जिसमें ट्वेल्थ भी एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। वैसे मिनिमम जो है वो आप ग्रेजुएशन ही मान के चलना। नेक्स्ट अगर सिलेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे देखिए जो फ्रेशर की वैकेंसीज है उसमें आपकी इंटरव्यू होगी, इसमें आपका सिर्फ एक ही राउंड होने वाला है, ठीक है। अगर हम एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात करें, इनके यहाँ पे दो राउंड हो सकते हैं, क्योंकि पहला इनका HR के साथ इंटरेक्शन, सेकंड आपका ऑपरेशंस हेड के साथ यहाँ पे हो सकता है, उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्लियरली यहाँ डिस्क्राइब भी किया, चाहे आप रिजर्व कैंडिडेट हो चाहे अनडिजर्व है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना होगा। लास्ट में आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड लिंक मिल जाते हैं, आप देख पा रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन के लिए, अलग अलग पोस्ट वाइज भी आपको मिल जाता है। सीधा आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो इनके सीधा वेबसाइट पर आ जाएंगे,
मैं आपको वेबसाइट पे चल के बता देती हूँ। हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, हमारे सामने सीधा इनकी ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अलग अलग लोकेशन मेंशन की हुई है, कौन कौन सी लोकेशन की वैकेंसी है। आप वैकेंसी यहाँ पे देख पा रहे हैं, रिलेशनशिप मैनेजर की मैंने आपको बताई है फोन बैंकिंग के लिए। यहाँ पे रिटेल बैंकिंग के लिए वैकेंसीज भी आउट हुई है अलग अलग लोकेशन वाइज, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट वाली जो पोस्ट है ये रिलेशनशिप मैनेजर की मैंने आपको बोला था फ्रेशर के लिए है, यही फ्रेशर के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे चार पेजेस है टोटल, आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे टोटल चार पेजेस है। आप उस पर क्लिक करके अपने नेक्स्ट जॉब भी देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके। ये फर्स्ट पेज पे हम यहाँ पे आपको सारे पेजेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम पहले सेकंड पे क्लिक कर लेते हैं, सेकंड पे क्लिक करके आपको वैल्यू वैकेंसीज दिखा देती हूँ अदर कौन सी आउट हुई है। क्लिक करेंगे हमारे सामने अगेन इंटरफेस ओपन हो चुका है। पहली वाली जो सारी वैकेंसीज है देखिए कितनी सारी लोकेशन के लिए है, ये वाले एक्सपीरियंस के लिए, लास्ट में आपको ये वाली फ्रेशर की फिर से जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं सेल्स वाली जो प्रोफाइल के लिए, ये अलग अलग लोकेशन वाली सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक जॉब के लिए अप्लाई करके बताती हूँ, मान लो आपने इस पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है। हम इस पर पहले क्या करेंगे, क्लिक, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। क्लिक करने में प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है, आप थोड़ा सा वेट कर लेना इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा, थोड़ा और जूम कर देती हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाओ। वैकेंसी आप देख पा रहे हैं आपके सामने ओपन हो चुकी है, ई रिलेशनशिप मैनेजर की है। यहाँ पर इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन मैंशन की हुई है क्या क्या आपका इसमें वर्क रहने वाला है। आपको बेसिकली यहाँ पर जो इनके कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना होगा ताकि जो भी इनका प्रोफाइल से रिलेटेड वर्क है या जो अगर से रिलेटेड तो वो चीजें इंक्रीज हो सके, ठीक है, सेल इंक्रीज हो सके, तो उससे रिलेटेड आपको ये वर्क रहने वाला है। तो उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके क्या क्या की स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो यहां चीजें इन्होंने मेंशन की हुई है। इसके लिए एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए अप्लाई इसके लिए कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लास्ट में आप जाएंगे, यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाती है अप्लाई हेयर की, यहाँ क्लिक करना है अप्लाई हेयर पर। आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड मेंशन करके कैप्चा डालना है, लॉगिन हो जाना है। लॉगिन करके आपको अपना सारा डिटेल्स फिल करनी है, आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, कब पास आउट किया है, कहाँ से पास आउट किया है, सारी चीज़ें जो भी मांग रहा है वो फिल कर देनी है। और हाँ, एक लेटेस्ट अट्रैक्टिव सा रिज्यूमे आपको जरूर से बनाना है, वो आपको अपलोड यहाँ पे करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन आपके आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई फी भी नहीं है। आपकी जो हायरिंग या फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की बात करूँ वो किसके भी आप में होने वाली है, रिज्यूमे के बेसिस पे, ठीक है। फिर कैंडिडेट के ये भी कमेंट्स आते हैं कि हमें कॉल नहीं आया, वो कॉल तब आएगा अगर आपका रिज्यूमे एक अट्रैक्टिव सा होगा। तो अट्रैक्टिव सा रिज्यूमे बनाकर आपको अपलोड करना होगा, सबमिट करेंगे आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आप लॉगिन करके अप्लाई जो मैंने आपको बताया वही प्रोसीजर है। ये लॉगिन आप कब कर पाएंगे, अगर आपने रजिस्टर किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ न्यू यूजर पर क्लिक करना होगा इससे पहले, ठीक है। न्यू यूजर पर जब क्लिक करेंगे यूजर नेम पासवर्ड आप यहाँ पे लगा पाएंगे, दिखाती हूँ किस तरीके से। यहाँ पे न्यू यूजर पर आपको पहले क्लिक करना है, क्लिक करेंगे आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पे साइन अप पर आप क्लिक कर सकते हैं। साइन अप बेसिकली आपको यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आपको अपना अपलोड कर देना है यहाँ पे रिज्यूमे, यहीं पे ऑप्शन इन्होंने दे दी है, ब्राउज पे या अपलोड जहाँ पे करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना टाइटल में सिलेक्ट कर लेना होगा। टाइटल में सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम मेंशन करेंगे, इस तरीके से प्रोसेसिंग में टाइम लेगा सेलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम आपको मेंशन करना है। जहाँ जहाँ स्टार लिखा हुआ है ना, इन्होंने आप देख पाए स्टार लिखा है, वो सारी चीज़ें मैंडेटरी है, वो आपको फिल करनी होगी। जैसे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, मिडल आपका नहीं है आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, पैन नंबर, ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर। अगर पैन नंबर आपके पास नहीं है ना, आप यहाँ क्लिक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने अप्लाई किया हुआ है पैन नंबर के लिए। अगर जॉब अप्लाई करने के बाद भी आप अप्लाई कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ही डेज में आ जाता है आपका पैन का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी होगी, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, जो जो डिटेल्स आपसे मांग रहे हैं आपको नेक्स्ट पे बस क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे ना, आपके सामने ये वाली ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगी एकेडमिक इंफॉर्मेशन की, जो कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड रहेगी, वो सिलेक्ट कर लेनी है बस। उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस भी मेंशन करना है, फ्रेशर है तो फ्रेशर, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लिख देना है, फिर आपका सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। अब जो ईमेल आईडी है, जो यूजर नेम आपने यहां रखा होगा, वही वहां पे आपको मेंशन करना है लॉगिन करते वक्त, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए घबराना नहीं है,
कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई आपका करूंगी। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की, अप्लाई तो कर दिया, अब अगर आपके प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड होती है, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से आपको कॉल आने वाली है रिगार्डिंग इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू होने वाली है, उसके बेसिस पे आपकी इसमें सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है। एक चीज का आप ध्यान रखना, आप कहीं भी रजिस्टर कर देते हैं कई बार अदर वेबसाइट्स पे, तो आपको वहां से भी कॉल्स आ जाती है। सबसे पहले आपको जब आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से कॉल आए, आपको उनसे पहले क्लियर करना है कि आप बैंक की तरफ से ही बात कर रहे हैं, किसी को कुछ पे नहीं करना। अगेन रिपीट करूंगी, बैंक की तरफ से कॉल आई, कोई आपको पे करने को नहीं बोलेगा, सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, आपकी उसमें हायरिंग होगी, तो आपको सिलेक्शन वगैरह और आपको क्या आपकी सैलरी या टर्म्स एंड कंडीशंस रहने वाली है वो आपको बताई जाएगी। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट जरूर करना, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।